साला क्या बात है, ऐसा सीट को हाथ लगा के बैठी? क्या तेरी फैक्ट्री में अंगार लग गई? क्या तेरी बकरी मत गई? बोल क्यों तू ऐसा बैठी? तेरा सत्यानाश हो तेरा, मेरी बकरी के दुश्मन। अरे तेरे घर में घुस के क्या दो चार रोटियां खा गई क्या मेरी बकरी ने? हाँ, और ये तो इतना फिसका दी क्यों तू? मैं ये पूछ रहा क्या हुआ क्या? कुछ नहीं रे भाई, वही दगड़े का टेंशन। और क्या? हाँ, दगड़े का टेंशन क्या हो गया? दगड़े ने क्या नोटा क्या गड्ढा भेज दिया क्या? हाँ, उसको भी अक्कल नहीं है एड़े को, उसको समझना होना ना क्या भाई, अपनी माँ को 3 रुपए की चिल्लत भी नहीं मोचते आती। हाँ, काहे को भेजा नोटा क्या गड्ढा? बुरी कत के तू मुझे हमदर्दी जताने आया या मेरे जले पे नमक छिड़कने आया? हाँ, जले पे नमक छिड़कदा? हाँ, मेरी खाला है तू, टिकिया कबाब नहीं तेरे ऊपर नमक छिड़कूंगा मैं। हाँ दे वाह, बोले नमक छिड़कने आया? और खाला ज्यादा आंखिया भाई ज्यादा कम कदया कर, मैं तो एक आध टाइम पट्ट करके जमीन पे गिर जाएंगे तेरे आंखिया मालूम है क्या? तेरे आंखिया की वजह से ही पौधे भागा दगड़े तेरा मालूम है क्या? और तेरी आंखिया की वजह से खालू को भी हटेक आया था। हाँ नहीं तो क्या, खालू सोए मजे का सोए, सुबह सुबह चले गई और ऐसा बोली, खालू ने देखे आंखें देख के डर गया, वहीं पे हटेक आ गया उनको। जान दे रे भाई, मेरा दगड़ा 6 महीने से बंबई गया है, उसकी ना चिट्ठी ना फोन ना कुछ आता ना कुछ पता। अभी तो वो रेल में जो धमाका हुआ बम का, जब से तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा। कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा मेरा दगड़ा, इसी चिंता में मैं परेशान रहती। एक बात बोलूं खाला, तू सिपली इलम तो नहीं सीख रही? पूछ क्यों? क्यों रे बुरगत के? अरे एड़ी खाला, तू यहाँ पे ऐसा इलम मारेंगी भन्न करके तो तेरा पोदिया यहाँ पट्ट करके नहीं आएगा, उसके वास्ते बम्बई जाना पड़ेगा। तेको मालूम है क्या? बम्बई जा, उसको ढूंढ के लेके आ जा। तेको तो मालूम है मैं बुढ़ी औरत, मेरा कौन है यहाँ पे, कैसे जाऊँ मैं उसको ढूंढने, तू ही बता। बुढ़ी औरत, वाह वाह, नल्ले में तो बड़ा जोर है तेरे, पाँव में जोर नहीं है क्या? बेटा ऐसा करना, तू ही चले जाना मेरे दगड़िया को ढूंढने, देख मैं बहुत दुआ दूंगी। अल्लाह मेरा दगड़िया, ये जनाजा ही रिश्ते नाटक कर रहा है वो माँ। काला काला रो मत, मैं चले जाता बस। कब जाएगा? चले जाऊंगा ना, ला दे पैसे दे। हाँ पैसे कहाँ से लाऊं, यहाँ पर मुझे जहर खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। जहर खाने पैसे नहीं है? वाह वाह काला, मरने की बात मत कर करा है मेरे सामने। जहर से नहीं मरता आदमी, घास तेल से भी मरता, जरा सा घास तेल ले पट्ट करके पियेंगी झट करके मरेंगी। मालूम है क्या? देखो मालूम नहीं है, वो रेल मंत्री है ना, वो मेरा ससुरा नहीं है, कभी तो फ्री में लेके भी जाएगा ला के भी छोड़ेगा, पैसे लगते उसके वास्ते। बेटा जैन मेरा इतना काम कर दे, मैं तुझे बहुत दुआ दूंगी बेटा, न तो देखा मैं फिर रोना शुरू कर दूंगी। समझा देगा मैं खाला, ठीक है मैं चले जाता हूँ। जहाँ मैंने इतने लोगों के मुंडे पे पाव दिया तेरे वास्ते एक हाव सही।